आज हम सीखने वाले कि कैसे हम माइनक्राफ्ट में कुछ रियलिस्टिक ग्राफिक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं जिससे हमारा माइनक्राफ्ट एक नेक्स्ट लेवल गेम जैसा दिखे। तो बल्कि इस चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना, क्योंकि मैं जैसी कोई भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले मिले। कुछ मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। अगर आप इतना सिस्टम रिक्वायरमेंट में इस मोड्स या इस रियलिस्टिक मोड्स को इंस्टॉल करते हो, अच्छे से एक्सपीरियंस मतलब अच्छे से आप खेल सकते हो। वरना यार देखो, लो में इंस्टॉल करोगे फिर लैग करेगा, फ्रेम ड्रॉप होगा, तो यार खेलने में मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पर रैम की बात करो तो मिनिमम 4GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड यार मिनिमम 1GB होना चाहिए। आप 512MB में भी खेल सकते हो, बट 1GB रहेगा तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड प्रोसेसर की बात करो तो मिनिमम i3 मिनिमम होना चाहिए। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बात कहना चाहूंगा। एक भाई है जिनका नाम है अभिनव मोटर्स, वो GTA 4 एंड GTA 5 के लो एंड PC एंड हाई एंड PC ग्राफिक्स मोड क्रिएट करते हैं, उनके ऊपर वीडियो बनाते हैं। कसम से यार उनके चैनल पे मैं विजिट करके देखो कहता था जहर कंटेंट बनाते हैं। मैंने उनके यूट्यूब चैनल पे विजिट किया तो मुझे ये देखने को मिला। भाई ये मैसेज इन्होंने क्यों डाला ये मेरे को पता नहीं, बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा इनके उस कमेंट में जाओ एंड चैनल पे जाना है। एंड ये जो कम्युनिटी टैब जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे इन्होंने क्विट लिखा है, सिंपली आपको नीचे टाइप करना है भाई क्विट नहीं करना तेरे को, हम तुम्हारे साथ है, जाना होगा बस, और मैं कुछ नहीं जानता। तो जल्दी से फटाफट से जाकर उनके चैनल को सब्सक्राइब करो एंड भाई कमेंट कर करके भर दो। सबसे पहले आपको अपना टी लॉन्चर को ओपन कर लेना, और नहीं पता है कि टी लॉन्चर या माइनक्राफ्ट कैसे इंस्टॉल करना है तो भाई आई बटन में आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसे जाकर चेकआउट कर लेना। ओके, तो जैसे आप माइनक्राफ्ट ओपन कर लोगे तो यहाँ पर आपको TL मोड्स करके लिखा रहेगा, सिंपली आपको इस पे जाना है। पर आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, अभी कुछ भी उंगली नहीं करना, आपको यहाँ पर एक प्रोफाइल क्रिएट करना है, सिंपली आपको क्रिएट पे टैप करना है। एंड यहाँ पर दोस्तों अपना मोड पैक का आपको नाम देना है, ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ भी नाम दे दिया। एंड मेक श्योर दोस्तों कि आप लेटेस्ट वर्जन में से आप ट्राई ना करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मोड्स हैं जो कि लेटेस्ट वर्जन में आपको नहीं मिलेंगे, तो मैं हाईली प्रेफर करूँगा कि आप ये सेकंड वाले वर्जन को सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर अपना क्रिएट है मोड पैक नाम, ओके, तो सिंपली आप यहाँ पर आपको क्रिएट पर क्लिक करना है। सक्सेसफुली हो चुका है, तो सिंपली हम पहले शेडर पैक्स को इंस्टॉल कर लें। ओके, तो यार देखो यहाँ पर आपको बहुत सारे शेडर पैक्स मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से टेस्ट कर लेना। जैसे कि ये सीसू सबसे अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसका डाउनलोड देख सकते हैं, बहुत ही हैवी है। देन उसके बाद ये आता है, तो आप क्रोमा को ओपन करते हैं, क्रोमा को। तो जैसे ही इसे आप ओपन करोगे तो भाई पिक्चर आप देख सकते हो कि कैसा आपका आपका जो ग्राफिक्स है वो कैसा रहेगा। तो भाई मैं हाईली प्रेफर करूँगा कि आप सीसू को इंस्टॉल करें, क्योंकि अब तक का सबसे बेस्ट है यार। ओके, तो यहाँ हमारा इंस्टॉल हो चुका, वन क्लिक इंस्टॉलेशन है, कुछ भी नहीं करना। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से मेरा जो ग्राफिक्स मोड है वो बंद हो जाए, सिंपली आप इसे बंद कर लेना यहाँ से, तो आपका जो ग्राफिक्स मोड है वो यहाँ से बंद हो जाएगा। सिंपली हम यहाँ से ऑन कर लेते हैं। अब हम चलिए रिसोर्सेज पैक को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो रिसोर्सेज पैक के लिए यार यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर आप अपने हिसाब से बहुत सारे रिसोर्सेज पैक यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, बट ये वाला जो है आपका थर्ड वाला, यहाँ हम जैसे देख सकते हैं फुल 3D शेडर, तो सिंपली आपको इसे ओपन करना। एंड बाय पिक्चर आप दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, माफ़ करना यहाँ मेरा नेट बहुत ही ख़राब चल रहा है, मतलब कतई मतलब ख़राब चल रहा है बोल सकते हो। तो देख सकते हैं इस तरह से कुछ आपको शेडर पैक मिलेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आप यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, तो सिंपली यहाँ पर आपको इंस्टॉल में क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका शेडर पैक भी इंस्टॉल हो चुका है। मैप्स की बात करें तो मैप्स आप यहाँ पर आपको मैप्स बहुत सारे मिलेंगे, जैसे कि बहुत सारे जो गेम प्ले बनाते हैं, जैसे चपाती गेमर्स हो गए या बहुत सारे यूट्यूबर्स हो गए, टेक्नो गेमर्स हो गए, तो ये इसी तरह से वो रिकॉर्ड करते हैं। तो आप भी यहाँ पर बहुत सारे मैप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे ऑफ ग्रिड कार्ड दिया हुआ है, तो स्काई ब्लॉक्स एडवांटेज दिया हुआ है, या बहुत सारे आपको मैप्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम इंस्टॉल करते हैं सर्वाइवल फॉरेस्ट, ठीक है, तो इसे हम इंस्टॉल करते हैं। ओके, तो मैं आप कुछ भी इंस्टॉल कर ले मैप, तो अभी मेरे को मैप तो मैं ये सर्वाइवल फॉरेस्ट इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। अब आते हैं मोड्स में, कि आपको मोड्स में क्या इंस्टॉल करना है। बाकी देखो यार मोड्स में तो आप अपने हिसाब से कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो जो आपका मन चले। यहाँ पर आपको TL स्किन बाई डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल मिलेगा, जो आपका स्किन रहेगा, बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ पर आप इंस्टॉल कर लें दोस्तों, उतना डीपली जाने का ज़रूरत नहीं है। मोड पैक में देख सकते हैं बहुत सारा रियलिस्टिक, ये बहुत सारे आपको मोड पैक्स मिल जाते हैं, तो अपने हिसाब से जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काउंटर स्ट्राइक का भी मिल जाएगा, काउंटर स्ट्राइक ब्लॉक क्लब ऑफेंस, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसे ओपन करके दिखा दे रहा हूँ आपको थोड़ा। तो यहाँ पर आपको पिक्चर्स नहीं है, काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंस का मैप आ जाएगा माइनक्राफ्ट में। तो बहुत सारे मोड्स एंड रिसोर्सेस है, तो बेसिकली जो अपने को नीड था, रिसोर्सेज पैक, शेडर पैक
एंड मोड्स, ठीक है, और मैप्स आप चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी आपको रिसोर्सेज पैक एंड शेडर पैक्स इंस्टॉल करना है अपना माइनक्राफ्ट को रीमास्टर्ड करके। एक बात और, अगर आप ये सभी इंस्टॉल कर रहे हो तो यहाँ पर आपका जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आप 2 GB रैम पे ये इंस्टॉल कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप होने वाला है, बहुत ही लैग करने वाला है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। तो बस इतना ही करना है आपको। एंड नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको रिलीज जो आपने नाम सेलेक्ट किया था सिंपली आपको उसे सेलेक्ट करना है, एंटर द गेम पे क्लिक करना है। लोकलाइजेशन यहाँ पर रन आ चुका है, तो इसे होने में दोस्तों मे बी टाइम लग सकता है आपका, 5 से 10 मिनट ले सकता है, अप टू योर इंटरनेट स्पीड। तो चलिए इसे होने देते हैं एंड देन देखते हैं हमारा गेम कैसा दिख रहा है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारा गेम ओपन हो चुका है। तो सिंपली सबसे पहले इसे हम फुल स्क्रीन में कर लेते हैं एंड मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो एंड सिंगल प्लेयर भी खेल सकते हो। तो सिंपली अभी यहाँ पर हम सिंगल प्लेयर खेलने वाले हैं। सिंपली आपको सिंगल प्लेयर में क्लिक करना है, ये जो आइसलैंड दिख रहा है आपको सिंपली आपको इस पर टैप करना है एंड प्लेस एज सेलेक्ट एंड लोड एनी वे। देख सकते हैं यहाँ जो अपना गेम है वो ओपन हो चुका है। एंड यार कसम से ग्राफिक्स देख रहे हो, कतई आफत लग रहा है यार, मतलब लिटरली देख रहे हो। तो था कि आप कैसे अपने माइनक्राफ्ट को रीमास्टर्ड प्लस उसमें आप कुछ मोड्स कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड हाँ दोस्तों, अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करो जो ये अभी तक मतलब माइनक्राफ्ट में मोड इंस्टॉल नहीं कर पाए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में, तो अपना ख्याल रखना अपने, हाँ दोस्तों अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।